गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी डियर स्टूडेंट्स, आज अपना जो टॉपिक है वो है अपना क्रोमोसोम गुणसूत्र। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है अपना क्रोमोसोम मीन्स गुणसूत्र। तो आज हम इस क्लास में गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो गुणसूत्र वास्तव में क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में कुछ विशेष प्रकार की धागीनुमा संरचनाएं होती है जो माता पिता के गुणों को संतति में स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। उन धागीनुमा संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। तो गुणसूत्र जो है वो वास्तव में क्या होते हैं? गुणसूत्र वे संरचनाएँ होती हैं जो एक पीढ़ी के गुणों को दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का कार्य करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी खोज किसने की थी। तो अगर हम खोज की बात करें तो एक वैज्ञानिक थे स्ट्रासबर्गर, और इन्होंने 1875 में गुणसूत्र की खोज की थी। इसके बाद आता है कि गुणसूत्र जो नाम है, नाम किसने दिया था? तो वाल्डेयर नाम के जो वैज्ञानिक थे, वाल्डेयर, इन्होंने 1889 में क्रोमोसोम नाम दिया था। देखो स्ट्रासबर्गर जो था उन्होंने खोज की थी, खोज का श्रेय उस वैज्ञानिक को जाता है जो उस पर मैक्सिमम कार्य करता है। तो इन्होंने गुणसूत्र पर विस्तार से कार्य किया था, जबकि सबसे पहले देखा किसने था? वो देखा था हाफ मिस्टर वह नागेली नाम के वैज्ञानिकों ने देखा था, और इन्होंने 1880 में देखा था गुणसूत्र को। और किसने देखा था? जो ट्रेडे स्केंसिया पादर है, उन ट्रेडे स्केंसिया पादर की जो पोलर मदर सेल होती है, प्राग मातर कोशिकाएं होती है, वहां पर देखा था इन्होंने सबसे पहले। लेकिन स्टडी किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने की थी, इसलिए खोज का जो श्रेय वो किसको जाता है? स्ट्रासबर्गर को जाता है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा आगे देखेंगे कि इस क्रोमोसोम जो है इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। इससे पहले अगर हम एक प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम जो है वो कोशिका गठन में उपस्थित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इन कोशिकाओं में केंद्रक का जो है वो अभाव होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। जबकि अगर हम यूकेरियोटिक सेल्स की बात करें, यूकेरियोटिक कोशिकाओं की बात करें, तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में गुणसूत्र जो होते हैं वो वास्तव में कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो केंद्रक में उपस्थित होते हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो क्रोमोसोम होते हैं वो कोशिका द्रव्य में प्रेजेंट होते हैं बिखरी हुई अवस्था में, और जब कोई भी गुणसूत्र बिखरी हुई अवस्था में प्रेजेंट होता है तो उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। आपने पढ़ा होगा बैक्टीरिया सेल में, और इसको हम हिंदी में केंद्रकार बोलते हैं। इस चीज को अपन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर पर। अगला स्टेप हो जाएगा गुणसूत्र की संरचना। तो एक गुणसूत्र की जो संरचना है वो किस प्रकार से होती है, तो अपन डायग्राम में देखेंगे। इस तरह से स्ट्रक्चर होती है क्रोमोसोम की। और ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की विद्युत संरचनाएं पाई जाती हैं।
तरह से, और इस संपूर्ण भाग में एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ जो होता है वो प्रजनित होता है। इस तरह से हम बताएंगे इसके बाद ये जो तरल पदार्थ होता है पूरे क्रोमोसोम के अंदर, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। इसके बाद ये कुंडली दो धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं क्रोमोनिमेटा, ये कहा जाता है। इसके बाद क्रोमोसोम का लगभग जो मध्य वाला भाग होता है वो कुछ धंसा हुआ होता है, इस धंसे हुए भाग को हम बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को बोलते हैं प्राथमिक संकीर्ण, और इसी का दूसरा नाम ही जो ध्यान रखने वाली बात है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर इसी को सेंट्रोमियर कहा जाता है। और सेंट्रोमियर वाला जो भाग है, प्राथमिक संकीर्ण वाला जो भाग है, ये दशा हुआ, इसमें दो बिंदु नुमा प्रोटीन डिस्क पाई जाती है, प्रोटीन की दो बिंदु नुमा संरचनाएं पाई जाती है जो आपको इस तरह से दिख रही है, और इनको हम बोलते हैं काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। इसके बाद आगे वाला जो भाग होता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन यानी प्राथमिक संकीर्ण के आगे का भी कुछ क्रोमोसोम में, सभी में नहीं, कुछ क्रोमोसोम में ये भाग भी धंसा हुआ होता है, और इसे हम कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, द्वितीयक संकीर्ण। और द्वितीयक संकीर्ण के आगे का जो भाग होता है उस भाग को हम कहते हैं सेटेलाइट क्रोमोसोम या सेट क्रोमोसोम, पूरा नाम हो जाएगा सेटेलाइट क्रोमोसोम। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होती है गुणसूत्र की। सबसे पहले हम बात करेंगे पेलिकल की, तो पेलिकल क्या होता है, ये क्रोमोसोम के चारों ओर पाई जाने वाली एक अर्ध ठोस परत होती है जो क्रोमोसोम मींस गुणसूत्र की जो है बाह्य वातावरण से या उसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। इसके बाद आता है मैट्रिक्स पार्ट। अगर हम मैट्रिक्स पार्ट की बात करें तो ये क्रोमोसोम में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ होता है जो क्रोमोसोम के अंदर स्थित होगा, और जो नॉन क्रोमेटिन प्रकृति का होता है, नॉन क्रोमेटिन का मतलब क्या होता है, जिसमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन नॉन हिस्टोन प्रोटीन सेंट होंगे इस लिक्विड मटेरियल में, और क्रोमोनिमेटा जो है वास्तविक रूप से जो डीएनए वाला पार्ट है वो इस मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होगा इन कुंडली संरचनाओं के रूप में। तो मैट्रिक्स वाला भाग क्या है, वास्तव में तरल पदार्थ है जो क्रोमोसोम में स्थित होता है। इसके बाद तीसरी जो संरचना आती है वो है आपकी क्रोमोनिमेटा। तो याद रखना प्रत्येक क्रोमोसोम में दो कुंडलित धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। ये जो कुंडलित धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं ये दो होती हैं, और इन दो कुंडलित धागेनुमा संरचनाओं को हम किस नाम से जानते हैं, क्रोमोनिमेटा के नाम से जानते हैं। तो क्रोमोनिमेटा वास्तव में क्या है, क्रोमोसोम में प्रेजेंट दो कुंडलित धागेनुमा संरचनाएं क्या कहलाती हैं, क्रोमोनिमेटा कहलाती हैं। इसके बाद एक क्रम और आती है, देखने को मिलेगी आपको क्रोमोनिमा। ये ध्यान रखना क्रोमोनिमा क्या होती है, तो क्रोमोनिमेटा जो है उसका निर्माण सूक्ष्म तंतुओं से होता है, और उन सूक्ष्म तंतुओं को माइक्रोफाइब्रिल्स को हम क्या कहते हैं, क्रोमोनिमा कहते हैं। तो एक्चुअल क्या हो गया, क्रोमोनिमा जो है माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, सूक्ष्म तंतु हैं, और वो मिलकर क्या बना रहे हैं, क्रोमोनिमेटा बना रहे हैं। इसके बाद एक क्रम और आती है, वो भी आप ध्यान रखेंगे थोड़ी सी, क्रोमोमियर। क्रोमोमियर, क्रोमोमियर क्या होता है कि जब क्रोमोसोम अत्यधिक कुंडलित रूप में आ जाता है, अत्यधिक हेलिकल फॉर्म में आ जाता है, तो उस समय क्रोमोसोम का जो भाग कणिकीय रूप में दिखाई देता है उस कणिकीय भाग को हम बोलते हैं क्रोमोमियर। जैसे इस तरह से क्रोमोसोम कुंडलित फॉर्म में आ गया, और ये जो पार्ट कणी के रूप में ये वाला संरचना है, ये है, ये है, ये जितनी भी कणिकाएं दिखाई दे रही हैं इन्हीं को हम कणी के रूप को क्या कहेंगे, क्रोमोमियर कहेंगे। तो ये आप ध्यान रखोगे।
इसके बाद आगे चलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक संकीर्ण। तो क्रोमोसोम का लगभग मध्य वाला जो भाग होता है वो थोड़ा अंदर की ओर धंसा होता है इस तरह से, और इस धंसे हुए भाग को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहेंगे, प्राथमिक संकीर्ण कहेंगे। और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन वाले भाग को ही सेंट्रोमियर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है कि सेंट्रोमियर वास्तव में क्या होता है। तो जो धंसा हुआ भाग होता है जिसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं उसी का नाम क्या है, सेंट्रोमियर होता है। इससे आगे चलते हैं, कुछ क्रोमोसोम में, सभी क्रोमोसोम में नहीं होता है, कुछ क्रोमोसोम में इस प्राइमरी कंस्ट्रक्शन यानी प्राथमिक संकीर्ण वाले भाग से आगे का भाग भी क्रोमोसोम का कुछ धंसा हुआ होता है, जैसे ये भाग धंसा हुआ है, और उसको हम कहेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन यानी द्वितीयक संकीर्ण कहेंगे। ये सभी क्रोमोसोम में प्रेजेंट नहीं होता है, कुछ स्पेशल क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे NOR वाले जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 एंड 22 मेनली वहां पर मिलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्वितीयक संकीर्ण भाग ही कहेंगे। और द्वितीयक संकीर्ण के आगे वाला जो भाग होगा उस भाग को हम कहेंगे सेट क्रोमोसोम यानी सैटेलाइट क्रोमोसोम, ठीक है। और सेट क्रोमोसोम के अंदर डीएनए जो सीक्वेंस होती है वो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में, हर जीव में अलग अलग होती है, कि नहीं भी दो जीवों का सेट क्रोमोसोम में डीएनए सीक्वेंस जो होता है वो सेम नहीं होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जब हमें पता लगाना होता है किसी भी अपराधी का, तो उसमें हम कौन सा डीएनए काम में लेते हैं, वहां पर सेट क्रोमोसोम वाला जो पार्ट है वो वहां पर यूज किया जाता है। इससे आगे वो समझना, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन वाला जो भाग है वहां पर प्रोटीन की दो डिस्क पाई जाती है, दो बिंदुनुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिनको हम काइनेटोकोर बोलते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। ये काइनेटोकोर वाला जो भाग है कोशिका विभाजन के समय, सेल डिविजन के समय जो स्पिंडल फाइबर होते हैं जिनको हम तत्व तंतु बोलते हैं, आप पीछे पढ़े हो सेंट्रियोल में, जिनसे जो सेंट्रियोल यानी तार के केंद्र से बनते हैं, वो तत्व तंतु कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम के कौन से भाग से आकर जुड़ते हैं, वो इस काइनेटोकोर पार्ट से ही आकर के जुड़ते हैं। तो इस चीज को अपने को ध्यान में रखना है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर थी क्रोमोसोम की जो आपको मैंने बताई है, और इससे ठीक आगे क्रोमोसोम के जो टाइप्स हैं किसके आधार पर, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।